कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने रविवार को सर्किट हाउस में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 22 अप्रैल को अपनी मन की बात में ग्राम स्वराज अभियान और किसान कल्याणकारी कार्यशाला की चर्चा की थी, जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 मई को सभी विकास खंडों में किसान कल्याणकारी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला को सफल बनाने के लिए उन्होंने लखनऊ से संबंधित सभी अधिकारी के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, हमारे लोकप्रिय और जनप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 अप्रैल को मन की बात में ग्राम स्वराज अभियान और उसमें किसान कल्याण कार्यशाला की चर्चा की थी और ये आग्रह किया था कि किसानों की आमदनी दूना किया जाए, इसके लिए किसानों की कार्यशाला लगाई जाए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इस बात का फैसला किया है कि 2 मई को सभी विकास खंडों में किसान कल्याण कार्यशाला लगाई जाएगी। जिन स्थानों पर कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहां कार्यशाला कृषि विज्ञान केंद्र पर लगेगी और इसके तैयारी के लिए कल मैंने लखनऊ में सभी विभागों की जो कृषि और कृषि से संबंधित विभाग हैं, फल उद्यान, पशुपालन, मत्स्य विकास, मधुमक्खी पालन, सहकारिता, दुग्ध विकास, रेशम, ऐसे सारे विभागों के विभागाध्यक्षों के साथ कल मैंने बैठक की और उनसे ये आग्रह किया है कि वो इस किसान कल्याण कार्यशाला में अपनी अपनी विभाग की योजनाओं के साथ वहाँ पर आएँ, अपने साहित्य के साथ आएँ, किसानों को उसको अवगत कराएँ कि उनके कार्यक्रमों के द्वारा कैसे किसान की आमदनी बढ़ाई जाई जा सकती है। उसमें एक कार्यक्रम किसानी किसान से, यानी जिन किसानों ने बेहतर उल्लेखनीय कार्य किया है कृषि के क्षेत्र में विभिन्न आयामों से, चाहे वो रबी के फसल के लिए किया हो या खरीफ के लिए किया हो या फल उद्यान में किया है या पशुपालन या दुग्ध उत्पादन में किया है या मत्स्य पालन मधुमक्खी में किया है, तो ऐसे किसान को 7 किसानों को इस कार्यक्रम के भीतर सम्मानित भी किया जाएगा। उसमें एक अनुसूचित और एक महिला किसान, 2 अनिवार्य रूप से होंगे जिनका सम्मान किया जाएगा। वहां पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, विभिन्न कृषि विभाग के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और किसानों को एक डायरी भी उपलब्ध कराई जाएगी कि वर्ष भर में किस मौसम में कौन सी फसल लगाएं, कौन से बीज लगाएं, किस तरीके से करें, इसकी वहां पर डायरी उपलब्ध किया जाएगी। मैंने कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों को भी कहा है कि जो उनके पास अपने कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यशाला के अतिरिक्त जो 4-5 वैज्ञानिक मिलते हैं उन सबको लगभग 500 कृषि वैज्ञानिकों को इन कार्यशालाओं में भी 500 स्थानों पर भेजे जाने की व्यवस्था हो रही है, जिसके माध्यम से वो किसानों के साथ सीधा संवाद करेंगे और किसानों को प्रेरित किया जाएगा कि वो उन फसलों को लगा करके फसलों का विविधीकरण, फसलों का जो है वो फसलें लगा करके कैसे हम आमदनी बढ़ा सकते हैं। साथ साथ में उनके मंडी की जो सुविधा, राष्ट्रीय मंडी बाजार का जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है उसके भीतर वो सुविधाएं कैसे वो उठा सकते हैं और अपने फसल की भंडारण किस प्रकार से उनको करनी चाहिए, किस बीमारियों में कौन से कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए, रासायनिक खादों के इस्तेमाल की जगह कैसे जैविक खादों के इस्तेमाल से उसकी ताकत बढ़ सकती है, फसल अवशेषों के खासतौर पर गेहूँ के डंठल और सवाल जलाने से जो पर्यावरण को जमीन को क्षति हो रही है और उससे उत्पादकता उनकी घट रही है, इन सारी बातों को जानकारी दी जाएगी। आपके माध्यम से मैं किसान भाइयों से आग्रह करना चाहता हूँ कि वो 2 मई दिन बुधवार को 10 बजे अपने विकास खंड के ऊपर इस किसान कल्याण कार्यशाला के भीतर वो भाग ले करके और विविध जानकारियों के माध्यम से कैसे अपनी आमदनी को दूना किया जाया जा सकता है, कैसे उस आयाम पर चल करके अपनी आमदनी बढ़ाई जा सकती है, इस चर्चा में कुछ किसानों से, कुछ वैज्ञानिकों से, कुछ कृषि तथा अन्य विभागों के कर्मचारियों से तो बात करके और अपनी खेती को बढ़ाने का काम करेंगे। हमने सभी प्रदेश के मंत्रियों, सांसद, विधायकों से और ग्राम प्रधान भाइयों से भी आग्रह किया है कि वो अपनी विकास खंड की कार्यशाला के भीतर वो सम्मिलित हों। और एक अंतिम बात आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि फसल की कटाई हो गई है, कुछ स्थानों पर हमारे किसान भाई फसल को जलाने का काम कर रहे हैं, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के
का भी वह एक संज्ञेय अपराध के भीतर आता है। उनके ऊपर 5,000 रुपए तक के जुर्माना हो सकते हैं, 2 महीने तक की सजा हो सकती है। हम नहीं चाहते किसान के ऊपर जुर्माना और सजा हो, इसलिए आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने खेतों के भीतर फसल को कतई न जलाएं, और ये जलाते हैं और कार्रवाई होती है उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। और आपने समय दिया, धन्यवाद। वह जुलूस निकालना उनका अधिकार है, और जनता उनके जुलूस को किस नज़र से देखती है आपने देखा ही। रुद्रपुर में है, बगल में देवरिया जिले में खटिया पर उन्होंने सम्मेलन किया और उनके सारे लोग खटिया लेकर के चले गए। तो उनकी उपलब्धियां क्या हैं वो तो खुद आप लोग देख रहे हैं, तो उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, देश में नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के लिए विभिन्न प्रकार के सुविधाओं को दे रही है। अभी बुंदेलखंड में हमने बीज अनुदान 50% से बढ़ा करके बुंदेलखंड के किसानों को 80% कर दिया। मैदानी इलाके में भी बढ़ाने पर हम विचार कर रहे हैं। तो हमारा काम है किसानों की मदद करना, किसानों का सहयोग करना, और इसीलिए प्रदेश में 50 लाख मेट्रिक टन गेहूँ की खरीदारी कर रहे हैं। 3 दिन के भीतर किसान के खाते में हम पैसा भेज रहे हैं। पहली बार प्रदेश के 20 जनपदों के भीतर चना और मसूर और सरसों की खरीदारी, जिन जनपदों में ये फसल ज़्यादा होती है वहाँ पर करने की व्यवस्था करके हम दलहन और तिलहन पैदा करने वाले किसान को भी आर्थिक रूप से उनको बिचौलिए और मध्यस्थ न लूट सके उसकी व्यवस्था कर। देखिए, राजनीतिक आदमी अपने अपने तरीके से बयान देता है, पक्ष और विपक्ष करना सबका लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने अपनी बात अपने ढंग से रखी होगी, मेरे को उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी बात को रखने की।